आज ही के दिन 1639 में दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गई थी। लाल किले का निर्माण पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। ये किला शाहजहांबाद की मध्यकालीन नगरी का एक मुख्य केंद्र था। इस किले की व्यवस्था, सौंदर्य और योजना मुगल सृजनात्मकता का एक बहुत ही शानदार नमूना है। इस किले का निर्माण कार्य वर्ष 1648 में पूरा हुआ था। 1661 में आज ही के दिन चीन के मिंग वंश ने ताइवान पर कब्जा किया। आज ही के दिन 1848 में सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ। रवि वर्मा भारत के मशहूर चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। हिंदू मिथकों का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल उनके चित्रों में दिखता है। बड़ोदरा स्थित लक्ष्मी विलास महल के संग्रहालय में उनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। आज ही के दिन 1930 में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेलीफोन की सेवा शुरू हुई। 1939 में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। आज ही के दिन 1945 में जापान की सेना ने रंगून छोड़ा। 1965 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने अपने सातवें रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। आज ही के दिन 1978 में अफगानिस्तान के विद्रोही गुट ने घोषणा की कि उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। 1982 में आज ही के दिन इंटरनेशनल नृत्य दिवस की शुरुआत हुई। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया। आज ही के दिन 1991 में बांग्लादेश के चटगांव में आए एक चक्रवाती तूफान में 1,38,000 लोग मारे गए और 10 लाख लोग बेघर हो गए। 1993 में आज ही के दिन ब्रिटेन में बकिंघम पैलेस को पहली बार आम जनता के लिए खोला गया और इसे देखने के लिए 8 पाउंड का टिकट लगा। और आज ही के दिन 2011 में लंदन के ऐतिहासिक चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस विलियम और केट मिडिल्टन का विवाह हुआ।